पहले तो नरसंहार होता था, अब तो मर्डर होता है। जंगल राज कहने वाले आज जंगल राज पार्ट टू का फिल्म तैयार करने में लगे हुए हैं बिहार में 18 सालों से। ये लोग आएंगे राजनीति में तो बुरे लोग का तो ऐसे ही सफाया हो जाएगा। जंगल राज वापस नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? सुशासन बाबू के राज में जंगल राज कैसे वापस आ जाएगा? तीन पार्टियां ने बिहार में 35 साल से राज किया, बिहार को पिछड़ापन बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सुनने और देखने को मिलते हैं, जहां यह देखा जाता है कि बिहार में लड़कियों को लेकर और भी आपराधिक मामले सामने आते हैं, तो क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमरा गई है? वहीं इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं जनता से और उनसे जानते हैं कि आपराधिक मामलों पर वो क्या बोलना चाहते हैं। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपराधिक मामले अगर कंपेयर आप करिए तो पहले के मुकाबले कम तो हुई है। हाँ। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिहार सरकार से, बस यही उम्मीद करेंगे कि जो आंकड़े तो ये जो अभी सुधर रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं सुधरना चाहिए, उसको और कम होना चाहिए। आपराधिक को ये सरकार तो करवाती है नहीं, इसका सीधा सीधा दोषी तो लोग ही होते हैं। माइंड में गंदगी वगैरह, दुश्मनी वगैरह, ये वो एक दूसरे का कर लेते हैं और एक दूसरे को वही जो दुश्मनी निकाल देते हैं, ये सब की वजह से सरकार तो हाँ, सरकार को थोड़ा कड़ी वाली एक्शन लेनी चाहिए। जो भी है डायरेक्ट, मान लीजिए कोई मर्डर केस में है, कोई कुछ केस में है, उनको डायरेक्ट सजा दे दो फांसी का, एक बार कर दीजिए और लाइव कैमरा कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आप उसका ये रेशियो करके निकालेगा, अगर परसेंटेज में निकालेगा तो 30-40% सुधार हो जाएगी। लाइव कैमरा, उसको फांसी दे दीजिए या सीधे गोली मरवा दीजिए। पहले 2005 के पहले जो राज था बिहार में, तो क्या वो वापस आ गया? पहले तो नरसंहार होता था, अब तो मर्डर होता है। नरसंहार और मर्डर में बहुत अंतर है। नरसंहार डायरेक्ट 15-20 लोगों, 25 लोगों, 30 लोगों, सुबह उठिएगा खबर मिलता था इस गांव में 14 लोगों का मार दिया गया, उस गांव में 15 लोगों को मार दिया गया, अब तो 1-2 लोगों का मर्डर होता है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं होनी चाहिए, जीरो मात्रा होनी चाहिए। बस यही पहले के मुकाबले में यही सुधार हुई है। अभी आपराधिक मामले रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं? मामले तो रुक तो नहीं रहे हैं, पहले के मुकाबले कम हुए, लेकिन रुक तो नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? लाइव कैमरा, जो दोषी है उसको मरवा दीजिए ना, फांसी पे चढ़ा दीजिए, नहीं तो गोली मरवा दीजिए ऑन कैमरा। 30-40% वहीं पे सुधर जाएगा। नहीं तो ऑन कैमरा काट दीजिए हाथ पर, एकदम बोल तो रहे कि एक देख लेगा ना आग के सामने से कि मर्डर करने पे ये हो रहा है, चोरी करने पे ये हो रहा है, कुछ गलत करने पे ये हो रहा है, खुद से खुद डर के मार से सुधर जाएगा ना। लड़कियों के साथ भी जो मामले अक्सर सामने आते हैं कि कहीं किसी लड़की के साथ गलत काम किया गया है, जिसकी वजह से लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो क्या ये सही है? देखिए, लगातार ये जंगल राज कहने वाले आज जंगल राज पार्ट टू का फिल्म तैयार करने में लगे हुए हैं बिहार में 18 सालों से। अच्छा। वो नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियां बिहार में कहीं ना कहीं सत्ता हासिल किया और सत्ता चलाया, तो आज देखिए बिहार में अपराध किस कदर बढ़ा हुआ। बेटियों के साथ अपहरण हो जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, आए दिन खुलेआम दिनों में गोलियां चल जाती है बिहार में। लड़कियों को घर से उठा लिया जाता है, बच्चियों को घर से उठा लिया जाता है, स्कूल जाना मुश्किल है। तमाम बुनियादी जो मामले है न, अपराध का, करप्शन इतना बड़ा है, पुल पे पुल गिरता है, तो कोई जवाब देने में नाकाम है। लड़कियों के मामले में तो समझिए कि पिछड़ा हुआ है। तो पहले यही लोग जो आज सत्ता में शामिल हैं 18 सालों से, यही लोग कहते थे जंगल राज, जंगल राज। तो पहले तो जंगल राज था, जनता ने परिवर्तन लाया, आप सत्ता में आए 18 सालों से, ये कौन सा मंगल राज हो रहा है? आप जंगल राज पार्ट टू फिल्म चला रहे हैं बिहार में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि परिवर्तन की जरूरत है। तीन पार्टियां ने बिहार में 35 साल से राज किया, बिहार को पिछड़ापन बना दिया, बिहार को समझिए कि कमजोर बना के रखा। हर एक मामले में, यो बिजनेस का मामला हो या कल कारखाना लगने का मामला हो, पलायन नहीं रोक पाए ये लोग, गुंडागर्दी नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये तमाम मामले में ये तीनों पार्टियां
ये पीछे है। तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि किसकी सरकार सही है? सरकार तो बता तो रहे हैं, आरजेडी, भाजपा और जेडीयू। अच्छा कांग्रेस क्या? 1 मिनट, ये तीनों पार्टी, 1 मिनट, ये तीनों पार्टियों का सफाया होगा तब बिहार अपराध मुक्त होगा। अब बिहार में सुशासन की सरकार कब आएगी? जब परिवर्तन होगा। तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र में खूबसूरती है बदलाव। देखा ना, पूर्णिया में जनता बदला, निर्दलीय को जिताया, रुपौली में जिताया, जिताया कि नहीं जिताया? तो अच्छे लोग आएंगे राजनीति में तो बुरे लोग का तो ऐसे ही सफाया हो जाएगा। तो ये लोग बुरे लोग है, सफाया कीजिए। भैया बता रहे थे जंगल राज और मंगल राज, इनके हिसाब से पहले जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। तो हम तो तीनों पार्टियों को कह रहे कि जंगल राज बनाया। बोले नहीं पहले, आप ऐसा बोले नहीं, पहले सुनिए। बोले 18 साल से क्या हो गया, 18 साल से पहले जो था देश में सिर्फ बम ब्लास्ट होता था वो था मंगल राज, 18 साल के बाद बताइए कहाँ एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, ये है जंगल राज। और 18 पहले यूपी के लोग मुलायम सिंह जैसे लोग जो गोलियां चलवाते थे खुलेआम, वो था मंगल राज। और अभी खून गली एक यूपी में जगह है जहाँ पे दिन दहाड़े गोली चलता था, अब वहाँ पे शांति फैल गया, ये है जंगल राज। इनको जंगल राज मंगल राज में पहले अंतर समझाइए लोगों को। अच्छा पहले आप ये बताइए कि जो राहुल गांधी को आप लेकर कह रहे हैं, वही राहुल गांधी संसद में बयान देते हैं हिंदुओं को लेकर, क्या वो सही है? हिंदू हिंसक है, इस बात पे तो उनको अभी तक पहले माफी नहीं मांगे, जिस दिन उधर आ जाएंगे चप्पल खोल के फिर से उनको राजीव गांधी की तरह उनको याद होगा, जिस तरह से जर्मनी में लगा था वही चीज उनके साथ भारत में दोहराने वाला है। इस तरह से जिस तरह से आप हिंदुओं को बोल दिए, एक बार मुस्लिम को बोल के देखिए, सिख को बोल के देखिए, ईसाई को बोल दे, हम लोग सहते हैं, हम लोग एक मौका देते हैं, हमारे धर्म में ये चीज नहीं सिखाया जाता, एक बार बोल के देख देते क्या होता उनके साथ। हमारे देवताओं का मजाक उड़ाते, शंकर जी का फोटो का उठा के बोलते देखिए इनके हाथ में त्रिशूल है, सबको हिंसक बनाते हैं। अच्छा आपराधिक मामले को किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए आपराधिक मामले को राजनीति से अलग करके देखा जाए, जो हमारी पुलिस है, सीबीआई, ईडी, ये सब इनको ज्यादा से ज्यादा इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जैसा कि पहले भैया बता के गए कि जो अपराध करता है उसको खुलेआम सड़क पे ऐसी मौत दो और उसका ऑन कैमरा मौत दो, ताकि दूसरों का देख के रूह कांप जाए। वो एक बार उस घटना को करने से पहले, उस आतंकी को करने से पहले, उस गलती को करने से पहले 1000 बार सोचे, चाहे एक मर्डर हो चाहे 100 मर्डर हो, मर्डर मर्डर होता है और इस पर कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। आपराधिक घटनाओं को कैसे देख रहे हैं बिहार में, जिस तरीके से आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं? आपराधिक घटनाओं को बहुत, मैंने 2005 से पहले के पैसा तो बहुत कम हो गया है, बाप रे बाप। 2005 की बात याद, जंगल राज की याद दिलाया जाए तो बाप कुछ कहने नहीं है। कहना यह है कि 5 बजे के बाद शाम निकलते नहीं थे और गांवों के गांव निरंसहार होता था। आज का फिर से जंगल राज वापस नहीं है? जंगल राज वापस नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? सुशासन बाबू के राज में जंगल राज किसे वापस आ जाएगा? अरे आपराधिक मामले है तो निजी मामला भी है, और अपने में आप क्या बाप बेटा में क्या संबंध है, कैसा बात है, क्या है जो घटना घट रहा, यही ना गाँव का गाँव कट रहा है। निरंसहार तो नहीं ना हो रहा है? कभी तो नहीं देखे हैं कि 20 साल में निरंसहार एगो हुआ है? बहुत ज्यादा निरंसहार हुआ है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अरे उसमें तो 5 बजे के बाद माँ बहन निकलती नहीं थी शाम को। आज का सुशासन बाबू के राज में एक व्यक्ति भी निकल सकता है, एक पैर पर चल सकता है। लड़कियों के साथ उनके घर में घुस के गंदा काम किया जाता है, घर से बच्चों को उठा लिया जाता है, ये सही है? ये कहाँ बात बोल रहे हैं आप? ये चीज देखिए, लड़कियों के साथ छोटी बच्चियों को घर से उठा लिया जाता है, उनके साथ गंदे काम किए जाते हैं, ये जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं इस पर क्या बोलेंगे? ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर तो बोलेंगे कि सरकार इसे उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए। और वही कर सकते हैं सुशासन बाबू, ही कर सकते हैं, जंगल राज वाला नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ कुछ जनता मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अगर बिहार से अगर आपराधिक मामलों को कम करना है तो उन्हें उसी वक्त सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जो कुछ भी हो सकता है उसे किया जाए ताकि उन आपराधिक मामलों को कम हो सके। बाकी इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे आपराधिक मामलों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।